कन्या विवाह योजना बहुत ही उदारवादी नजरिया का प्रमाण है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल परिवारों में से काफी हद तक राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। यदि इस योजना को सख्ती से लागू किया जाता तो दूसरा आवेदन में लगने वाले खर्च को कम करके प्रक्रियाओं में थोड़ा सुधार किया जाता। इन्हीं जटिलताओं में उलझकर अनपढ़ गरीब आवेदन ही नहीं करते तो वहीं पढ़े लिखे लोग आवेदन करके ही पछताते नजर आ रहे हैं। क्या आप लोग के पास बीपीएल है? बीपीएल हाँ है। तो आपकी दिक्कत क्या है? देखिए, शादी के बाद की दिक्कत बहुत है। मेरे माता पिता जो भी शादी किया है लोन वगैरह से किया है, ठीक है ना। और ये विवाह का जो था फॉर्म डाले हैं ना, अभी तक राशि नहीं मिला। कितने दिन पहले फॉर्म डाले हैं? फॉर्म एक साल पहले ही डाले हैं, शादी के बाद तुरंत एक दो माह बाद। क्या उसका रिसीविंग है? रिसीविंग तो है, पर पैसा अभी कब मिलेगा ये मालूम नहीं है। क्या कभी आपने पता लगाई है कि आखिर पैसा काहे नहीं? कोई अधिकारी से तो अभी नहीं मिला है लोग, लेकिन अपना ये जो वार्ड है उसे बात करते हैं लोग। वो तो बोलते हैं कि मिलेगा दो साल एक साल, ऐसे ही कह के रह जाते हैं। ऐसे कितने लड़कियां हैं जो ऐसे फॉर्म अप्लाई किए उनका पैसा नहीं मिला है? अभी देखिए, हम बहुत सारे लड़के के जान रहे हैं कि वो लोग अभी दो साल तीन साल शादी हो चुका है, फॉर्म अप्लाई कर चुकी है जी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी राशि मिलने का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप इसमें क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि पैसा मिले समय से, ताकि अपनी माता पिता को कुछ हेल्प हो जाए। जो भी कर्ज लिया है या लोन लेके पैसा से शादी हुआ है उसमें बहुत मायने रखता है ना, तो पैसा तो अभी मिला नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कर्जा तो है। इसमें किस कारण से नहीं मिलता है? उन लोगों को जानकारी भी नहीं है, फॉर्म डाल दिए हैं लोग, वार्ड से पूछते रहते हैं, बस इतना ही। तो आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप भी हमारी इस लड़ाई में सहयोग करें, जिसके लिए प्रखंड विकास प्राधिकारी का मोबाइल नंबर है 9431881844। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।